हेलो स्टूडेंट, आज का जो मेरा सेशन है एक इम्पॉर्टेंट सेशन है। जब मैंने लास्ट सेशन लिया था जिसमें मैंने आपको साथ डिस्कशन किया था कि आप एनआईटीज के थ्रू भी 2 ईयर का एमसीए, तो आपने कई सारे क्वेश्चन पूछे थे, तो उन सारे क्वेश्चन का मैं वन बाय वन रिप्लाई भी दूंगा जो उस दिन शायद नहीं हो पाए होंगे डिस्कस। दूसरा, नया बैच कब से लॉन्च हो रहा है ये भी आपने पूछा था, और क्लासरूम कोर्स कब से स्टार्ट हो सकता है, ये कुछ क्वेश्चन थे। तो मैं पहले आपको बता दूं कि ये सेशन में मैं आपके साथ काफी डिटेल में एमसीए को लेकर डिस्कशन करने वाला हूं कि आफ्टर 2 ईयर, मतलब 2 ईयर के एमसीए होने से क्या क्या इफेक्ट आएगा, कंपटीशन कैसे बढ़ेगा, और आप एमसीए ज्वाइन करने से पहले अपने आप को किस तरह से तैयार करें, क्योंकि आप टाइम कम मिलेगा, तो ऐसे में प्री प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि क्लासरूम को लेकर आपका एक क्वेश्चन था, मैं आप सब बच्चों को एक बात बहुत क्लियर करना चाहूंगा कि मुझे ऐसा लगता था कि शायद जून में क्लासरूम ओपन हो जाए, फिर लगा जुलाई में, पर अब आपके सामने कंडीशन क्लियर है। आप सोचिए, अभी एग्जाम होने की कंडीशन नहीं है, क्लासरूम तो बहुत दूर की चीज है। तो यदि ऐसे में मैं बोलूं कि जुलाई एंड में क्लासरूम स्टार्ट हो जाएगा या अगस्त में स्टार्ट हो जाएगा, ये कहना बहुत मुश्किल है। अगर कोई ये कहता भी है तो मैं कहूंगा कि ये तो पॉसिबिलिटी अभी है ही नहीं कहीं पर भी, क्योंकि इस साल स्कूल, कॉलेज या कोचिंग इंस्टीट्यूट कब ओपन होंगे ये बड़ी टफ सिचुएशन है। आप देखिए कि सारे एग्जाम, इनफैक्ट NIMCET 2020 जो अगस्त में होने वाला था वो पोस्टपोन हो गया, अगली डेट नहीं दी। IIT जो जुलाई में होने वाला था वो सितंबर कर दिया, और अभी ऐसा दिख रहा है कि शायद टाइम को देखते हुए वो और भी पोस्टपोन हो जाए। NDA भी हो सकता आगे पोस्टपोन हो जाए, क्योंकि नंबर ऑफ केसेस कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे में हम लोग क्या करें, क्लासरूम के लिए अगर बैठे रहेंगे तो मुझे लगता है ये आपके लिए राइट डिसीजन नहीं है। दिन पर दिन एक तो कॉम्पिटिशन बढ़ता जा रहा है, दूसरा अगर हम 21 के हिसाब से देखें तो आज जुलाई हो गया है, मई में एग्जाम होता है, और नेक्स्ट ईयर का सेशन तो मुझे लगता है जब, क्योंकि धीरे धीरे देखिए वैक्सीन आने के चांस भी है दिसंबर जनवरी तक, फिर सिचुएशन नॉर्मल होना चालू होगी। तो इस साल का भले ही 2020 का एग्जाम अभी नहीं हुआ है, पर 21 का एग्जाम तो हो सकता है टाइम पे हो। तो ऐसे में मैं आप सबको ये बोलूंगा कि बिल्कुल मत बैठिए ना तो क्लासरूम के, इवन हमारे यहां भी जो बच्चे, ये मैं आपको बता दूं जिस बैच के बारे में बता रहा हूं, ये फोर्थ बैच होगा, यानी 3 बैच, एक पहला बैच जनवरी में हुआ था, फिर उसके बाद हुआ मई में, मई के बाद जून में, फिर जुलाई में, जून और जुलाई में, और उसके बाद ये देखिए जुलाई का ये अगला बैच मैं आपको बता रहा हूं। यानी एक चीज समझने की है कि रुकना नहीं है, और कई सारे बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन करके पढ़ रहे हैं। तो ऐसे में आप लोग, क्योंकि मुझे पिछले सेशन में बहुत लोगों ने फोन या मैसेज किए कि सर हम क्लासरूम के लिए रुकें, जब आपका क्लासरूम होगा जब चालू करेंगे, मैंने उस समय भी यही बोला था अभी भी कि क्लासरूम के लिए रुकना नहीं है, क्लासरूम जब होगा जब आप स्विच कर लेंगे, अभी इमीडिएटली आप लोगों को एक्शन लेना चाहिए और इमीडिएटली लाइव क्लास पेनड्राइव कोर्स के थ्रू जुड़ के अपनी पढ़ाई चालू करें। अगर आप खाली बैठे तो आपके ऊपर बर्डन बढ़ता जाएगा, जितना लेट पढ़ना स्टार्ट करेंगे उतना अपने ऊपर आप प्रेशर बिल्ड करेंगे। इसलिए मैं आप सबको ये सजेशन दूंगा कि आप अपनी पढ़ाई चालू कर दें, क्योंकि क्लासरूम ओपन होने में कितना टाइम लगेगा ये कोई नहीं बोल सकता। इसलिए आप अपने आप को बिल्कुल ना छोड़िए खाली, बल्कि एक ये बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि देखिए इस समय आपके ऊपर कॉलेज का प्रेशर नहीं है। पहले क्या होता था, अगर हम लास्ट ईयर तक की बात करें, एक बच्चा जो सेकंड ईयर या फाइनल ईयर में वो कॉलेज भी जा रहा है, साथ में एंट्रेंस की प्रिपरेशन भी कर रहा है। कॉलेज आने जाने का टाइम, कॉलेज का वर्क, कोचिंग आने जाने का टाइम, कोचिंग का वर्क, केवल आने जाने में ही कई बच्चों के 2-2, 3-3 घंटे खराब होते थे। आज कई कॉलेजेस की ऑनलाइन क्लास चल रही है, नो डाउट, बट वो ऑनलाइन क्लास का ड्यूरेशन भी कम है और प्रेशर भी कम है। ऐसे में अभी आप बहुत ज्यादा प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसलिए मैं बोलूंगा बिल्कुल, अगर आप जो भी सोच के बैठे हैं, माइंड सेटअप आपका है कि क्लासरूम में जाके पढ़ना है, तो बिल्कुल आप यही माइंड सेटअप रखिए, पर जिस दिन क्लास ओपन हो उसी दिन आप आ जाए, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि कई सारे स्टेट में, इनफैक्ट MP में भी अगले 10 दिन का कई सारी बड़ी सिटी में लॉकडाउन फिर से हो रहा है, कंडीशन काफी टिपिकल है, टफ होती जा रही है। ऐसे में आप बिल्कुल चांस ना लें और पढ़ाई चालू कर दें। तो एमसीए का अब हम जो न्यू बैच है वो 29 जुलाई को स्टार्ट कर रहे हैं, 29 जुलाई को, और ये जो बैच है ये NIMCET बेसिकली 21 के लिए है, पर हमारे यहां हमने देखा अभी 22-23 के लिए भी ज्वाइन करते हैं, क्योंकि मैं बोलता हूं आपको भले आगे भी देना है पर आप जितना पहले पढ़ेंगे उतना प्रेशर कम होगा, तो 22-23 वाले भी इस बैच के साथ अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। बस उनके लिए ये होगा कि उनको ज्यादा प्रेशर नहीं लेना, और हम लोग अभी 21 की क्लासेस किस ढंग से लेंगे, 22 की वो भी बताऊंगा। 20 वाले भी अगर कोई ये सेशन सुन रहे हैं तो उनके लिए सेशन भी यूजफुल है, और अगर आपने फॉर्म भरा है तो मैं अभी भी कहूंगा कि मौका मत छोड़िए, अभी भी 20 का एग्जाम कब होगा पता नहीं,
आप पढ़ाई करिए, हो सकता है 2 महीने बाद हो सकता है 3 महीने बाद, इसलिए अपने आप को ये सोच के कि हम ड्रॉप ले लें उससे अच्छा है कि मैं कहूंगा अभी बचे हुए टाइम का फुल यूटिलाइजेशन करें। तो ये सेशन में स्टार्ट कर रहा हूं, इस सेशन में काफी सारी डिटेल इंफॉर्मेशन आपको दूंगा। हो सकता है कि आप ये, क्योंकि मैंने ये देखा है कि बहुत सारे लोगों को निमसेट या एनआईटीज के बारे में नहीं पता होता, पिछले कुछ समय से अवेयरनेस प्रोग्राम की वजह से ये काफी फर्क पड़ा, पर अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो ये सेशन वो सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको देगा। तो पूरा सेशन को ध्यान से सुनिए, एंड तक सुनिए, तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले जब हम बात करते हैं एमसीए की, तो एमसीए में सबसे टॉप अगर कोई नाम आता है तो वो आता है निमसेट। निमसेट के थ्रू आपको एनआईटीज मिलती है, और इन एनआईटीज से अगर आप एमसीए करते हैं, अभी तक एनआईटीज में एमसीए 3 ईयर होता था, पर इस साल से 2 ईयर का होगा। यानी पहले कई सारी यूनिवर्सिटी ने 2 ईयर कर दिया था, पर अब पूरे ऑल ओवर इंडिया की अगर हम बात करें तो एमसीए का प्रोग्राम जो है या कैरिकुलम वो 2 ईयर का हो गया। क्योंकि इसके पहले क्या था, एमसीए में एक चीज थी, एमसीए प्रोग्राम जो था, पीजी प्रोग्राम में अगर हम बात करें एमबीए की, या हम बात करें गेट की मतलब एमटेक की, या हम बात करें जीआरई या जीमैट की, ये सब जो थे वो 2 ईयर प्रोग्राम थे, पर एमसीए 3 ईयर था। इसलिए कई सारे लोग 3 ईयर के वजह से सोचते थे कि एक साल का अगर हम मान लो ड्रॉप लेते हैं 3 साल का एमसीए तो ड्यूरेशन बढ़ जाता है। अब वो नहीं है। जैसे बी वाला जो बच्चा है या बीटेक वाला, वो सबसे ज्यादा किस में जाता है आपको भी पता है, एमबीए, गेट या जीआरई में, पर अब वो एमसीए में भी इंटर हो सकता है और होगा। इनफैक्ट बिफोर लास्ट ईयर से इंटर होने लगे प्राइवेट कॉलेज से जो बच्चे बीई बीटेक करते थे, हमारे यहाँ कई सारे बीई वाले बच्चों ने एडमिशन लिया और पढ़ाई भी की, पर परसेंटेज बहुत कम था, बिकॉज 3 ईयर डिग्री थी, वो एमबीए या जीआरई जीमेट पे ज्यादा फोकस करते थे या गेट पर। बट अब क्योंकि 2 ईयर का हो गया है, उनका भी फोकस बढ़ सकता है, और क्योंकि प्लेसमेंट बहुत अच्छे प्लेसमेंट हो रहे हैं, किसी भी एनआईटीज में देखो आप, हैदराबाद यूनिवर्सिटी में देखो, दिल्ली यूनिवर्सिटी में देखो, मैंने ये नाम लिखे हुए हैं, अगर हम बात करें तो ये वो यूनिवर्सिटी है जहां पर 30 लाख 40 लाख तक के पैकेजेस मिल रहे हैं। तो ऐसे में प्राइवेट कॉलेज के बीई या बीटेक वाले बच्चों का इसमें इंटरेस्ट हो सकता है, और आपको भी पता है इंडिया में कितने प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज। तो इसलिए हमें समय रहते हुए एक्शन लेना चाहिए और प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए, इसके पहले कि हम पीछे हो जाएं, हमें अपने आप को आगे निकाल लेना चाहिए। तो मैं आपको ये बोलूंगा कि आपको बिल्कुल माइंड सेट करके पढ़ाई चालू करना चाहिए। अब मैं बात करता हूं एलिजिबिलिटी को लेके, बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है एमसीए की एलिजिबिलिटी को लेके, बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। मैंने सारे तो नहीं, निमसेट की एलिजिबिलिटी बताऊंगा, इसके अलावा भी आपको बताऊंगा कि अगर आप मान लीजिए निमसेट के लिए एलिजिबल नहीं है तो क्या होगा या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात अगर निमसेट की करूं, तो निमसेट में एक सबसे अच्छी बात है, कुछ साल पहले तक 12th मैथ्स मांगते थे, अब 12th मैथ्स बंद हो गया, यानी अब कोई भी बच्चा जिसने 12th में भले ही कॉमर्स लिया हो, पर अगर वो बीसीए कर रहा हो तो वो डायरेक्ट एलिजिबल है। इसके अलावा फिर वो बीएससी, या तो बीएससी वाला बच्चा हो, है ना, या बीएससी के साथ बीआईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या वोकेशनल कोर्स मतलब कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर एप्लीकेशन से रिलेटेड कोर्स हो, फुल डिग्री हो, तो वो भी एलिजिबल है। निमसेट में एक चीज बोलना चाहूंगा कि बीकॉम या बीए वाले बच्चे एलिजिबल नहीं होते, एक आइडिया दिया। अब और दूसरी एक और इंपॉर्टेंट बात है, ग्रेजुएशन में 60% कंसिडर किया जाता है। अब जैसे 12th में आईआईटी में 75% मांगते हैं, वैसे ही निमसेट में ग्रेजुएशन पे और एग्रीगेट 60% मांगा जाता है। इस एग्रीगेट को लेके भी कई लोगों के मन में कंफ्यूजन रहता है, जो हमेशा पूछा जाता है कि सर अगर फर्स्ट सेमेस्टर में मान लीजिए 55% बने, तो फर्स्ट सेमेस्टर से मतलब नहीं है, अगर सेमेस्टर है तो ऑल 6 सेमेस्टर के, और ईयरली है तो ऑल 3 ईयर का एग्रीगेट परसेंटेज देखा जाता है। अगर परसेंटेज में देखें तो 60%, और अगर आपके यहां पॉइंटर सिस्टम है तो 6.5 सीजीपीए होना चाहिए। रिजर्व कैटेगरी 55% या 6 सीजीपीए चलेगा। ये निमसेट की बात कर रहा हूं। अगर किसी का 60% नहीं है तो क्या होगा, एक और बात बोलूंगा, मे बी नॉट श्योर, क्योंकि जब तक कोई चीज ऑफिशियली नहीं आती मैं बिल्कुल क्लियर होता हूं इसको ना माने, पर जैसे आईआईटी ने इस बार रिलैक्सेशन दिया है 75% का, क्योंकि इस बार एग्जाम नहीं हो पा रहे, तो हो सकता है इस साल अगले साल, इस साल तो फॉर्म भर गए, नेक्स्ट ईयर
हो सकता है ये रिलैक्सेशन मिले, पर हम अभी ये मान के चलेंगे कि ग्रेशन का 60%। अब मान लीजिए कि आपके 60% से कम है, सपोज आपके 59% ही है ना, या आपके 54% है, तो याद रखिए कि आप जैसे जेएनयू का एग्जाम दे सकते हैं, जेएनयू 55% मांगता है, आप बीएचयू का एग्जाम दे सकते हैं, बीएचयू कितना मांगता है 50%, पर आप तैयारी निम सेट की ही करिए, क्योंकि निम सेट की तैयारी से आप किसी भी और एग्जाम को बहुत इजीली निकाल सकते हैं। अभी मैं एग्जाम पैटर्न पे आऊंगा तो आप समझ जाएंगे कि निम सेट का सिलेबस ऐसा सिलेबस है जो लगभग ऑल इंडिया के सारे एमसीए के सिलेबस को कवर भी करता है, हर पोर्शन को कवर करता है, और एक अच्छे लेवल का पेपर होने की वजह से जेई मेंस लेवल तक के क्वेश्चंस होते हैं, आपका प्रिपरेशन अच्छा होता है। जैसे मैं अगर बात करूं बीएचयू और निम सेट का कंपेयर करूं, तो निम सेट के कंपेयर में बीएचयू का एग्जाम 50% से भी कम टफ होता है, यानी आपके आधे एफर्ट से अगर निम सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बीएचयू दे दोगे तो निकल जाएगा, ऐसा है। जेएनयू दे दोगे तो निकलने के चांसेस, जेएनयू में थोड़ा सा कंप्यूटर पोर्शन ज्यादा आता है, तो प्लस माइनस 20% का डिफरेंस हो सकता है, बट निम सेट की बेस्ट प्रिपरेशन करने वाला बच्चा इंडिया का कोई भी एग्जाम निकल सकता है। इसलिए जो बच्चे हमारे यहाँ बाई चांस जिनका ग्रेजुएशन में 60 नहीं होता, वो बीएचयू जेएनयू या अदर यूनिवर्सिटी की तैयारी जरूर करते हैं, बट तैयारी का लेवल वो एनआईटी ही रखते हैं। तो ये एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फिर एज लिमिट को लेके भी कई लोगों को बड़ा कंफ्यूजन रहता है, तो एज लिमिट नहीं होती, कितने बार दे सकते हैं, एन नंबर ऑफ टाइम दे दें, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आईआईटी में होता है ना 2 ईयर, वैसा निम्स पीजी कोर्सेज में नहीं होता, तो आप एन नंबर ऑफ टाइम दे सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बट कोशिश यही होना चाहिए जितनी जल्दी हो। मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि कई बच्चे एनआईटीज में ऐसे भी देखे गए हैं जिनके 2, 3 या 4 ईयर का गैप होता है, उसके बाद भी उन्होंने एडमिशन भी लिया और प्लेसमेंट भी हुआ, कंप्रोमाइज नहीं किया। तो आप भी अगर 60% के ऊपर हैं तो आपकी प्रायोरिटी में होना चाहिए जैसे एनआईटी, फिर हैदराबाद यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटीज, वीआईटी, जेएनयू, बीएचयू, अगर आप टॉप यूनिवर्सिटीज में जा रहे हैं जहां प्लेसमेंट बहुत अच्छे हैं तो ओके, नहीं तो टेक अ ड्रॉप, इसमें कोई नुकसान नहीं है। तो ये एक बेसिक चीज मैंने आपको बताई, तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि अगर आपका एग्रीगेट 60% है तो आप एलिजिबल हैं, 60 से कम है तो दिक्कत है, पर 60 यानी तीनों साल का एक टोटल, फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर या फाइनल ईयर को नहीं, इंडिविजुअल ईयर को नहीं देखते, तो अगर किसी साल कम है तो आपके पास मौका, आप उसको कवर अप कर सकते हैं। और फिर भी आपकी डिग्री कंप्लीट हो गई है, अब आप सोच रहे हैं बीसीए कंप्लीट हो गया है, बीएससी, और आपके बाई चांस 60 नहीं है, तो भी दुख की बात नहीं है, आप अपनी प्रिपरेशन दूसरी यूनिवर्सिटी के लिए कर सकते हैं। फिर बात करते हैं हम निमसेट का एग्जाम पैटर्न की, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एग्जाम पैटर्न इस साल से ऑनलाइन हो गया है, अभी तक ऑफलाइन होता था, अब ऑनलाइन हो गया, और बाकी एमसीए के पहले से ऑनलाइन होते थे, और ऑनलाइन एग्जाम हो गया, और हम लोगों ने ऑनलाइन का वैसे भी प्रिपरेशन या क्लास जो टेस्ट थे वो जनवरी से स्टार्ट कर दिए थे। इम्पिटस का बच्चा ऑनलाइन ही टेस्ट देता है और अब ऑनलाइन सारे एग्जाम होते हैं, तो एक तो ऑनलाइन में वो एग्जाम है, दूसरा अगर निमसेट के एग्जाम पैटर्न की बात करें तो 120 क्वेश्चंस आते हैं टोटल, और उसका टाइम ड्यूरेशन रहता है 120 मिनट, यानी 1 मिनट में एक क्वेश्चन करना। कई लोग जब इसको आईआईटी से कंपेयर करते हैं तो मैं बोलता हूं आईआईटी से कंपेयर करना गलत नहीं है, बट आईआईटी और इसके पैटर्न में थोड़ा सा चेंज, इसमें 120 क्वेश्चन 120 मिनट, आईआईटी में 75 क्वेश्चन पीसीएम के और 180 मिनट, ये बिगेस्ट डिफरेंस होता है। और केमिस्ट्री में बच्चे को बहुत कम टाइम मिलता है, मतलब लगता है केमिस्ट्री बच्चा एक चाहे मतलब 1 आवर 160 मिनट को हम डिवाइड कर सकते हैं, पर लोग केमिस्ट्री में टाइम बचा के मैथ्स में दे देते हैं, यानी मैथ्स के 25 क्वेश्चन के लिए लोगों के पास लगभग आईआईटी में 90 मिनट होते हैं, पर निमसेट में ऐसा नहीं होता। इसलिए कई बच्चे जब बोलते हैं आईआईटी से कंपेयर, मैं बोलता हूं आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच अगर स्ट्रांग नहीं होगी तो आप मुसीबत में आने वाले, इसलिए सही और प्रॉपर टेक्निक से पढ़ना तो बहुत जरूरी होता है। तो ये एक चीज हो गई। फिर पेपर की लैंग्वेज इंग्लिश ही होती है, पर इसमें कोई प्रॉब्लम इसलिए नहीं होती क्योंकि ये मैथ्स रीजनिंग बेस्ड होता है, अगर आपका मीडियम हिंदी है तो भी कोई दिक्कत नहीं। मैं एक और बात बता दूं कि एमसी एंट्रेंस में जो हमारे पास बच्चे आते हैं, पूरे इंडिया से भी जो बच्चे जाते हैं कॉलेजेस में भी, अगर हम नॉर्थ वगैरह की तरफ की बात करें, लगभग 60% जो क्राउड है जो जाने वाला 60-65,
वो हिंदी मीडियम वाला होता है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। 10 में से 6, 7, 8 बच्चे हिंदी मीडियम वाले ही होते हैं, पर जब आप बीसीए बीएससी कर रहे होते हैं तो क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल पे आप इंग्लिश की बुक की आदत डाल लेते हैं, पर पेपर का पैटर्न इंग्लिश होता है। एक और इंपॉर्टेंट बात है, पेपर के मार्क्स होते हैं 480। इसको लेके बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, मैं इसको भी क्लियर करूंगा यहां पर कि पेपर के मार्क्स होते हैं 480, फिर भी मैं ये वर्ड बोलता हूं कि 1000 मार्क्स से रैंक अवार्ड होती है। 1000 मार्क्स से, मेरा वर्ड सुनिए, रैंक अवार्ड होती है और मार्क्स होते हैं 480। इसका क्या मतलब है वो अभी मैं समझाऊंगा, राइट। बाकी 480 मार्क्स का लॉजिक ये है कि 4 right and 1 wrong। इसमें 4 sections होते हैं, मैथमेटिक्स, जनरल इंग्लिश, कंप्यूटर अवेयरनेस एंड एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग। क्वेश्चन के सेक्शन देखें तो मैथ्स में 50 क्वेश्चंस हैं, जनरल इंग्लिश में केवल 20 हैं, कंप्यूटर में 40 हैं और क्यूएलआर में 40 क्वेश्चंस हैं। यानी मैथ्स में आपको 50 क्वेश्चन करने हैं, कंप्यूटर में केवल 10, क्यूएलआर में 40, 40 और इंग्लिश में 20। पर इनका वेटेज क्या होता है ये चीज समझानी, ये एक बहुत बड़ा लोगों के मन में कंफ्यूजन होता है, वो मैं आपको पहले बहुत अच्छे से क्लियर करना चाहूंगा कि जब निम सेट के पेपर की बात की जाती है तो 480 मार्क्स का पेपर होता है, बिल्कुल सही है, 120 into 4। बट जब रैंक अवार्ड होती है तो कैसे होती है, क्योंकि ओवरऑल रैंक के लिए 1000 मार्क्स लिए जाते हैं। कैसे बताता हूं, मैथ्स के 600 नंबर होते हैं, 50 क्वेश्चंस और 50 क्वेश्चंस का मार्क होता पेपर, 50 क्वेश्चन का पेपर होता है और हर क्वेश्चन के 12 मार्क्स होते हैं, ये मैथ्स का लॉजिक है। अगर मैं क्यूएएलआर की बात करूं यानी क्वांटिटी एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग, इसमें 40 क्वेश्चंस होते हैं, 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है तो 240 मार्क्स अवार्ड होते हैं। कैसे वो बताता हूं, यही एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, ये क्वेश्चन मुझसे बहुत बच्चे पूछते हैं कि सर वहां तो 480 मार्क्स दिया 1000 क्यों बोलते हैं, वो बताऊंगा मैं अभी आपको। फिर बात आती है कंप्यूटर फंडामेंटल, इसमें केवल 10 क्वेश्चन होते हैं और एक क्वेश्चन का 8 मार्क्स होता है यानी 80 मार्क्स। फिर होता है इंग्लिश, इसलिए कई बच्चे इंग्लिश को लेकर जब कंफ्यूज होते हैं मैं बोलता हूं बिल्कुल कंफ्यूज मत हो, केवल इंग्लिश 80 मार्क्स की है और वो भी 4 नंबर का एक क्वेश्चन है। इसकी निगेटिव मार्किंग मतलब इसके राइट के 12 मार्क्स होते हैं, रॉन्ग के 3, इसमें राइट के 16 मार्क्स होते हैं और रॉन्ग के 1.5, यहां राइट के 8 मार्क्स होते हैं, रॉन्ग के 2, यहां राइट का केवल 4 और रॉन्ग का 1। होता क्या है ये रैंक अवार्ड पे जब आप मार्क्स देखेंगे तो 480 ही दिखेगा, 4 into 120 से ही कैलकुलेट होता है, बट जब रैंक अवार्ड होती है तो ऐसे होती है। मतलब मैं आपको एक बहुत छोटे से सिंपल से कंसेप्ट से समझा दूंगा, आपका कंफ्यूजन 100% दूर हो जाएगा। और वो कंसेप्ट ये है कि अगर मैं आपसे बोलूं कि मान लो एक बच्चे ने मैथ्स में 30 किए, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, और क्यूएएलआर में उसने मान लीजिए 10 किए, कंप्यूटर में मान लीजिए 10 ही कर दिए और इंग्लिश में भी मान लीजिए 10 कर दिए, अब इस बच्चे का स्कोरिंग कैसे होगा मैं आपको नए सिरे से समझाता हूं। मान लीजिए कि एक बच्चे ने निम सेट देने वाले 2-3 बच्चों के कंसेप्ट समझे हम, इससे आपकी कंफ्यूजन ही दूर हो जाएगी। मान लीजिए एक बच्चे ने निम सेट का एग्जाम दिया, मैथ्स में 30 किए, ठीक है, एलआर में उसने मान लो 20 किए और इंग्लिश में मान लीजिए 10 किए और कंप्यूटर फंडामेंटल में भी मान लीजिए 10 ही किए। चलो एक दूसरा बच्चा है जिसने मैथ्स में केवल 10 किए, क्यूएएलआर में मान लो उसने 30 किए और इंग्लिश में पूरे 20 किए, ठीक है, और कंप्यूटर में मान लो 10 किया। अब मान लेते अभी ये ऐसे इसने किया, अभी थोड़ी देर के लिए मान लेते राइट है, तो 30 plus 20 50 plus 10 60 plus 10 70, तो 70 into 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 280। यस और नो, 70 into 4 किया तो 280। यहां पर भी हम एक काम करते हैं, 30 50, ये देखिए ये इसको 20 ले लेते हैं अभी थोड़ी देर के लिए, तो इसने 20 किए, इसने 30 इसमें किए, 20 इसमें किए इंग्लिश में और 10 50 और इसमें 70 किए थे ना, तो अभी मान लेते हैं कि इसने इसमें
ट्वेंटी, हाँ ठीक है, 20, 30, 50, 70, इसमें एक काम करते हैं, इसमें भी इसके 20 ले लेते हैं अभी थोड़ी देर के लिए। अब इसने भी यहां 70 किए, इंटू 4 किया 280, मार्क्स दोनों के सेम है, अब रैंक कैसे आएगी? तो क्या करते हैं, मैथ्स में नंबर दिए जाते हैं 12 से, यानी मैथ्स में इसके नंबर हुए 360 लॉजिकली। QALR में 6 से दिए जाते हैं तो 120, इंग्लिश में 4 से ही दिए जाते हैं तो केवल 40, और कंप्यूटर में 8 से दिए जाते हैं तो 80। अब आप इसे जोड़ लीजिए, अब आप इसे जोड़ेंगे जब, है ना, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 6, यानी नंबर कितने होगा इसके 600 हो गए। ओके, अब इधर आओ, इधर इसने मैथ्स के BC किए तो 20 इंटू 12 करोगे 240, QA के 20 इंटू 6 करोगे तो 120, इंग्लिश के 20 इंटू 4 करोगे तो 80, और कंप्यूटर के वही 10 इंटू 8 करोगे तो 80। अब जरा आप इसको जोड़िए तो ये हो गया 160, 400, यानी 520। ये भी 70 क्वेश्चन कर रहा है, ये भी 70, पर इसके मार्क्स ज्यादा है, उसके मार्क्स कम है। ये रैंक अवार्ड सिस्टम होता है, तो आप इसी को मार्क्स मान लें तो आपका कंफ्यूजन कभी नहीं होगा, नहीं तो आप कंफ्यूज रहेंगे। इसलिए मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा कि सबसे बड़ा रोल जो अगर किसी का है तो वो है मैथ्स का, वो भी 11th और 12th की, अभी उसके सिलेबस पे भी आ रहा हूं। फिर दूसरा, क्योंकि ये 600 नंबर की है, मतलब 60% का रोल मैथ्स है। QALR की बात करूं तो समझने की कोशिश करिए, इसके क्वेश्चन आते हैं 240 मार्क्स के और ये होता है 24%, यानी ये दोनों को मिला लूं तो 84% केवल मैथ्स QALR से बनता है। और एक और इंपॉर्टेंट बात कि मैथ्स अगर अच्छी होगी तो ही QALR बनेगा, क्योंकि NIMSET का या MCA एंट्रेंस में जो क्वांटिटी एप्टीट्यूड या लॉजिकल रीजनिंग आती है उसका पैटर्न थोड़ा बैंकिंग या SSC वगैरह से हटके होता है। तो कई बच्चे जब मुझे बोलते हैं कि सर हमने बैंकिंग की प्रिपरेशन की है, हमने इसकी, तो मैं बोलता हूं फिर आपको देखना प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि वो होता है लोअर मैथ्स पे बेस्ड और ये होता है हायर मैथ्स पे, यानी मैथ्स बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वो, जब आप करेंगे प्रीवियस ईयर के पेपर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ये सबसे बड़ा। इसके अलावा कंप्यूटर फंडामेंटल की बात करें तो 80 नंबर का है, यानी 8%, यानी ये सब मिला लें तो 92% केवल ये सेक्शन है। इंग्लिश केवल और केवल 8% का आता है, कोई बच्चा बिल्कुल ना देखे तो भी दिक्कत नहीं है, जिनका मीडियम इंग्लिश होता है वो इस 8% में 20 में से आराम से 8-10 क्वेश्चन कर लेते हैं, जिनका नहीं होता है उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, वो छोड़ दें, क्योंकि वो इस फोकस को पूरा करेंगे तो बहुत अच्छे से खुश रहेंगे। तो ये एक सिनारियो आपको समझना है। अब मैं बात करूं कि देखिए, मैंने बनाया भी है कि मैथमेटिक्स में क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, मेजर पार्ट जैसे सेट थ्योरी, प्रोबेबिलिटी एंड स्टेटिस्टिक्स बहुत बड़ा पार्ट है, फिर एलजेब्रा, एलजेब्रा में क्या, तो पूरी एलजेब्रा लाइक सेट थ्योरी हो गया, बाइनोमियल थ्योरम सिलेबस में नहीं है पर उसका बेस लगेगा, डिटरमिनेंट, मैट्राइसेस, प्रोग्रेशन, एलजेब्रा। फिर आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब होता है 2D लाइक कार्टेशियन सिस्टम, स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सर्कल, कॉनिक सेक्शन, पूरी पूरी 11th 12th की मैथ्स है। कैलकुलस, कैलकुलस मतलब पूरी कैलकुलस कहां से स्टार्ट होगी, फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इनडेफिनेट इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल, यानी पूरी 11th 12th की मैथ्स, वेक्टर और ट्रिग्नोमेट्री। यानी मैथ्स का मतलब ये हो गया कि जो जेईई मेंस का सिलेबस है वही, कहने को इसमें 3D नहीं है बट 3D के भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है उसके भी आए, बाइनोमियल नहीं है उसके भी आए, तो आप तो पूरा 11th 12th का इंटायर मैथ्स मान लें तो ज्यादा अच्छा होगा, उससे आपको कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर आगे दे रहे हैं लॉजिकल रीजनिंग की बात करें, इसमें 50 क्वेश्चन होते हैं इसकी, और ये 50 क्वेश्चन 600 नंबर के होते हैं। लॉजिकल रीजनिंग का मतलब है क्वेश्चन इंडक्शन बेस्ड ऑन कवर लॉजिकल सिचुएशन, यानी लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं, क्वांट कम आता है। कई लोग सोचते हैं QA पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बहुत कम आता है, वो पढ़ने लगते हैं टाइम एंड वर्क, ये सब आना चाहिए पर वो बहुत बेसिक लेवल पे, सबसे ज्यादा जो पोर्शन है वो है लॉजिकल रीजनिंग का। इसके अलावा इंग्लिश है, वोकैबुलरी है, बेसिक इंग्लिश है, वर्ड पावर है ना, टेक्निकल राइटिंग, इसमें पर कोई रेंज नहीं होती। इसलिए इस सेक्शन पे मैं हमेशा बोलता हूं कि डिपेंड ऑन आपका इंग्लिश पे कितना कमांड है। कई बच्चे हिंदी मीडियम वाले होते हैं पर उनकी ग्रामर अच्छी होती है, वो बहुत अच्छे से कर लेते हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनका मीडियम इंग्लिश होके भी ग्रामर पे कमांड नहीं होता, डिपेंड ऑन। और कंप्यूटर में कंप्यूटर बेसिक और डेटा रिप्रेजेंटेशन इसका पार्ट,
अच्छा कंप्यूटर बेसिक में भी कई बार दो तीन क्वेश्चन तो इसके ही आते हैं, बाइनरी टू ऑक्टेल, ऑक्टेल, तो यानी एक प्रॉपर सिस्टमेटिक प्रिपरेशन से आप बहुत अच्छे से एग्जाम निकाल सकते हैं। अब बात की जाए कि क्लासेस के बारे में बात की जाए, जो हम लोग हमारे यहाँ बच्चे जब ज्वाइन करते हैं तो क्या क्या चीजें, और इस साल हम लोग एक चीज और करने वाले हैं क्योंकि 2 ईयर का एमसीए हो गया और अगर किसी का कंप्यूटर बैकग्राउंड नहीं है तो हम लोग C, C++ का बेस ओरिएंटेशन भी कवर करेंगे क्लास में, जो इंटायर सिलेबस का पार्ट नहीं है, कैरिकुलम का नहीं है, पर ये बेस डेवलप, यानी अगर किसी का मान लीजिए जैसे अगर आपका बीएससी है कंप्यूटर साइंस, बीसी है तो आपको आता होगा, पर अगर आप मान लीजिए प्योर मैथ्स वाले हैं तो ऐसे में आपको मैं बोलूंगा C, C++ या डीएस पहले से तैयार करना चाहिए, और ये बेस लैंग्वेज है जो कि हम आपको करवाएंगे अभी समय रहते हुए, इसलिए कि ये अगले बैच का जो हम 29 से करेंगे उस बैच में वीक में 2 से 3 क्लासेस स्टार्ट विथ सी, पहले सी करवाया जाएगा फिर C++ ओरिएंटेशन लेवल पे, जिससे कि आप जब एमसीए करने जाएं तो आपको प्रॉब्लम ना। एक और बात बोलूंगा, अभी आप ज्यादा ना भी करें तो चलेगा, एमसीए एंट्रेंस के बाद से एडमिशन के बीच में 2 महीने का समय मिलता है, उस समय आप ये लैंग्वेज इजीली कवर कर सकते हैं, बट अगर आपका एक बेस ओरिएंटेशन तैयार हो जाएगा तो उस समय आपको करने में आसानी होगी। ये यूनिक चीज हम लोगों ने चालू की है कि अब जो नया बैच हम स्टार्ट करेंगे पुराने वाले बच्चों को भी मिलेगा। देखिए इम्पिटस में एक अच्छी बात है, कोई भी बच्चा पहले से ज्वाइन है उसको वो सब मिलता है जो आने वाले बैच में होता है, साथ में पीछे से पढ़ चुका है, यानी कितने बार रिवीजन करेगा आप खुद सोच सकते हैं, इसलिए मैं कहूंगा देर मत करिए। तो ये भी हम लोग ओरिएंटेशन के उस पर करवाएंगे। अब कोर्सेज की टर्म में बात करें तो सबसे पहले सबसे यूनिक बात है लाइव क्लास। ये लाइव क्लास की भी मैं आपको स्टोरी बताऊं तो ऐसे स्टार्ट हुई क्योंकि पिछले 2 साल से हम लोगों के पास लास्ट ईयर पेनड्राइव कोर्स था जिसमें हम कंप्लीट कोर्स को बेसिक से एडवांस लेवल देते थे, बच्चे उससे पढ़ते भी थे, बहुत अच्छा बना हुआ बेसिक से, उससे पूरे बेसिक, इवन कई बच्चे जो नॉन मैथ्स के हैं वो टॉप कर गए उस कोर्स के थ्रू, सोचिए आप। पर बच्चों का एक कहना था, सर पेनड्राइव में कई बार हमारा रेगुलर रूटीन सेट नहीं होता, तो आप जो भोपाल में क्लास लेते हैं अगर वो भी साथ में जुड़ जाए, इस वजह से ये क्लासेस जुड़ी। और देखिए बाई चांस की बात है, कोविड तो बाद में हुआ, हमारा दिसंबर के एंड में बैच लाइव क्लास प्लेटफॉर्म बन गया और जनवरी से लाइव क्लास हो गई, इसलिए जब इस साल कोविड की जैसी लॉकडाउन हुआ एक सिंगल डे भी क्लास बंद नहीं हुई क्योंकि ऑलरेडी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था, इंटरएक्टिव प्लेटफॉर्म था, तो लाइव क्लास में, बल्कि 2020 वालों के लिए बता रहा हूं मैं, जो 20 बैच में पहले वो 1 या 2 क्लास करते थे, अब वो 3 क्लास पर डे करते हैं, यानी लॉकडाउन के वजह से उनकी क्लास कम होने की जगह बढ़ गई, उनको ज्यादा एंगेज करने के लिए क्लासेस बढ़ा दी गई, ऑलरेडी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था, प्रॉब्लम नहीं हुई, तो ऐसा नहीं था ये पहले से। और बहुत सारे बच्चे जानते हैं आज इम्पिटस गुरुकुल को, ऐसा नहीं है कि कोई एमसीए की प्रिपरेशन करे और इम्पिटस गुरुकुल को ना जाने। तो नंबर 1 एक हुआ लाइव क्लास जिसके थ्रू रेगुलर क्लासेस होती है। अभी हम लोग जो क्लास देंगे, जो नया बैच हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, मैं उसके बारे में बताऊंगा कि इसमें हम लोग प्लान ये कर रहे हैं कि मैथ्स की क्लास तो होगी रेगुलर 5 डेज 6 डेज इन अ वीक, पर साथ में आपको एलआर की क्लास, क्यूएएलआर की क्लास और सी की भी बेस क्लास दी जाए, यानी नए बैच को हम प्लान ये कर रहे हैं कि 2 टाइम पे क्लास हो, 2 बैच 2 क्लासेस हो पुराने बच्चों के, मतलब ये एक चीज हम लोग ये कर रहे हैं आइडिया जो धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगी, यानी 29 जुलाई के बाद पहले 2-3 दिन हो सकता है सिंगल क्लास है, पर उसके बाद हम आपको सी का ओरिएंटेशन भी चालू करेंगे, लॉजिकल रीजनिंग और साथ में एक एंड पे मैथ्स, यानी ये यूनिक चीज होगी क्योंकि देखिए टाइम कम है और अभी आप खाली हैं, अभी आप बहुत आपके हो सकता है कॉलेज भी हो पर अभी आप बहुत मेहनत कर सकते हैं। दूसरी चीज होती है हमारे एक फुल वीडियो ट्यूटोरियल विद पेन ड्राइव और विदाउट पेन ड्राइव, इसका क्या मतलब है समझिए, ये भी कोविड के वजह से डेवलप हुआ, पेन ड्राइव बच्चे लेते थे, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है वो पीडी विद लाइव, पेन ड्राइव विद लाइव क्लास वाले हमारे यहां होते हैं, इंडिविजुअल भी ऐसा नहीं है, क्योंकि क्या होता है लाइव क्लास के पहले वो पेन ड्राइव से वो टॉपिक पढ़ लेते हैं बहुत ही बेसिक से और उसका लाइव करते हैं, परफॉर्मेंस बहुत बढ़ जाती है, पर लॉकडाउन में कई बच्चों को पेन ड्राइव भेजना पॉसिबल नहीं हुआ, क्या किया जाए, सॉल्यूशन हर चीज का है क्योंकि हम सब टेक्निकल वाले हैं, क्लाउड पे पूरा कोर्स को रखा उसके थ्रू एक्सेस, इसलिए हमारे पास पेन ड्राइव में 2 चीज हो गई, एक बच्चा पेन ड्राइव भी ले सकता है, एक क्लाउड के थ्रू भी अपने कंप्यूटर में या लैपटॉप पे डाउनलोड कर सकता है अब, और उसके साथ लाइव क्लास भी कर सकता है, इंडिविजुअल भी लाइव क्लास पढ़ सकता है, इंडिविजुअल भी पेन ड्राइव कोर्स से पढ़ाई कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और ये लाइव क्लास विद फुल वीडियो ट्यूटोरियल या कॉम्बिनेशन से कर सकता है। ये यूनिक चीज है जो शायद आपको कहीं ना मिले या मिलेगी तो इस तरह से प्रॉपर नहीं हो सकती। आप पहले देखिए एक चीज याद रखिएगा,
कि आप जब इम्पीटर से जुड़ते हैं तो आपको ढेरों क्लासेस देखने को मिलती, सेशंस आपको मिलते हैं, जिससे आप ये समझ पाते हैं कि किस लेवल से। मेरे मेरी एक आदत है कि मैं हर चीज बेसिक से ही पढ़ाता हूं, क्योंकि अगर बेसिक क्लियर है, फाउंडेशन क्लियर है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप तब प्रॉब्लम ना कर पाए। देखिए, जितनी ऊंची बिल्डिंग उतना नीचे का फाउंडेशन, बस उसी कंसेप्ट को मैं फॉलो करता हूं कि हम जितना मजबूती से नीचे से पढ़ेंगे उतने ऊपर जा सकते हैं, यही चीज है। तो ये लाइव क्लास के साथ साथ पेनड्राइव क्लास हो गई, मतलब पेनड्राइव कोर्स हो गया, और उसमें भी ऑप्शन हो गए, क्योंकि क्या हुआ लॉकडाउन में कई, अब जैसे मान लीजिए आपके शहर में लॉकडाउन है, पेनड्राइव पहुंच ही नहीं सकती थी, पर सॉल्यूशन हर चीज का होता है। तो इस लॉकडाउन ने जीवन में बहुत कुछ सिखाया, और आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा कि लाइफ कभी नहीं रुकती है, हमें रुकना भी नहीं चाहिए, हमें हर दिन आगे बढ़ना है, हमें रुकना नहीं है, हमें हर दिन आगे बढ़ना है, और इस ढंग से आगे बढ़ना है कि हम कभी पीछे मुड़ के ना देखें। तो ये सारे सॉल्यूशन है। इसके बाद, इन सब कोर्सेज के बाद भी सबसे प्लस पॉइंट है कि आप चाहे लाइव क्लास के स्टूडेंट हो, चाहे पेनड्राइव के स्टूडेंट हो, लाइव विद पेनड्राइव, आप किसी भी दिन जब क्लासरूम ओपन होगा उस दिन क्लासरूम में स्विच कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे पहले रुके थे पर वो ज्वाइन करते गए। और एक और अच्छी बात बता दूं, ऐसा नहीं है कि आप जब क्लासरूम कोर्स ज्वाइन करेंगे तो हम आपसे ये कह रहे हैं कि अभी आप क्लासरूम की फी दें, अभी हम ये कहते हैं कि अभी आप इन्हीं कोर्स की फी दें। जब क्लासरूम में आएंगे तो ये जो फी दी है क्लासरूम कोर्स की फी में माइनस हो जाएगी, क्योंकि आज ये कहना मुश्किल है ना कि जुलाई एंड में क्लास होगी, अगस्त में होगी, सेप्टेंबर में होगी, ऐसे में मेरा बिल्कुल। और क्या होता है, एक और बात बता दूं कि लाइव क्लास या पेनड्राइव कोर्स इतना अच्छा है कि मैं हर बच्चे को ये बोलता हूं, पर मुझे पता है 10 में से 8 बच्चे को आने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि जो कुछ क्लास में हो रहा है या होगा वो सब आपको इंटायर चीजें मिलेंगी, यानी रेगुलर डेली प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं, संडे टेस्ट होते हैं, जो क्लास में चल रहा है वो कैरिकुलम, आपका मनी टाइम दोनों सेव होता है। और फिर भी क्लासरूम में आना है तो नो प्रॉब्लम, आप क्लासरूम में कभी भी आ सकते हैं, पर आपके ऊपर ये बाउंडेशन नहीं है कि क्लासरूम ज्वाइन कर रहे हैं इसलिए आपसे पूरी फी ले ली जाए, और फिर आपको आप लाइव कर रहे हो पता चला 6 महीने तक या 4 महीने तक क्लासरूम ही नहीं हुआ, ऐसा नहीं। इसलिए मैंने अपने बच्चों के साथ एक बात बिल्कुल क्लियर रखी, जो बच्चे ज्वाइन है वो भी जानते हैं, और आप जो नए ज्वाइन करेंगे, कि अभी आप जो कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं लाइव पेनड्राइव या लाइव विद पेनड्राइव, आप अभी उसका पे करेंगे जब आप क्लासरूम में आएंगे, एंड देन उस समय फिर आपने जो ये पे किया माइनस होके बची हुई क्लासरूम कोर्स की फी देंगे। ये सिस्टम है। तो इस तरह से आप इन कोर्सेज में से किसी भी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, लाइव क्लास का एक्सपीरियंस लें। वैसे भी हमने एक और सिस्टम बनाया कि बच्चा जब ये क्लास लेता है तो उसको पता रहता है कि किस ढंग से पेनड्राइव कोर्स से पेनड्राइव लेता है तो उसको लाइव क्लास पता होती है, यानी ये दोनों ऑप्शंस उसको मिलते हैं और वो खुद डिसाइड कर लेता है कि क्या उसके लिए सूटेबल है। मैथ्स कितनी भी वीक हो, अगर आपका 11th 12th में मैथ्स नहीं है तो भी परेशान नहीं होना है, बस पढ़ना कैसे है, पढ़ने के तरीके पे क्या अप्रोच लगाना है वो मैं बताऊंगा, और आप उसी ऑर्डर उसी तरीके से पढ़ेंगे तो उसका फायदा आपको डेफिनेटली मिलेगा। मैंने उस कोर्स की वैसे आपको डिटेल बता दी कि लाइव क्लासेस जो होती है वो इंटरएक्टिव क्लास होती है। बहुत बच्चों का डाउट होता है कि सर हम डाउट कैसे पूछेंगे। पहली चीज तो मैं बता दूं कि डाउट आते ही बहुत कम है, मुझे बहुत डिटेल में पढ़ाने की आदत है तो इस बात के चांस ही बहुत कम है कि आपको कोई डाउट है। फिर भी कोई डाउट आता है तो लाइव क्लास में इंटरएक्टिव क्लास होती है, बच्चे डाउट पूछ लेते हैं। रेगुलर शेड्यूल होता है, आप इम्पीटस गुरुकुल ऑनलाइन के ऐप पर जाएंगे तो आप देखेंगे 20 वालों की 400 क्लासेस हो चुकी। सोचिए लाइव क्लास में 400 क्लास क्या होती है, आपको पास वीडियो में दिखेंगे, वो सब दिखेंगे आपको। तो आप एक बार जब आप उस ऐप पर जाइए या live.impetusgurukul पर जाइए, आपको देखेंगी कि जो 21 का बैच है उसमें भी 100 क्लास हो गई जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं, सोचिए। तो इसलिए मैं बोलूंगा अभी भी आपके पास मौका है नए सिरे से पढ़ने का, और पढ़िए। और अच्छी बात यह कि इसके बाद भी ऐसा नहीं 29 जुलाई के बाद बैच नहीं होगा, होगा, पर उस बैच में जब कुछ अब जैसे जो बच्चा पीछे पढ़ चुका है उसको कोई टॉपिक क्लियर नहीं है वो इस 29 के बैच में क्लियर करेगा, वैसे ही अगले बैच का जब स्टार्ट होगा तो आपको फायदा वहां मिलेगा। तो आप इसके लिए बिल्कुल वेट ना करें। तो ये इंटरएक्टिव और पूरा सिलेबस कवर होगा। हाँ, लाइव क्लासेस में इंटरनेट जरूर रिक्वायर्ड होता है, डाउट उसी टाइम क्लियर हो जाते हैं। और एक और बात है, कई लोगों का ये डाउट भी रहता है कि लाइव क्लास के समय नहीं देख पाए तो क्या होगा, ऐसा नहीं होता। लाइव क्लास के समय तो आप देख ही सकते हैं, इनकेस नहीं देख पाए तो इंटायर क्लास आपके डैशबोर्ड पे सेव हो जाता है, आप उसको रात को भी देख सकते हैं, 1 महीने बाद भी देख सकते हैं, 2 महीने बाद भी देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इस और इसमें हम लोग डेली टेस्ट लेते हैं जिसका नाम होता है DPT, डेली प्रैक्टिस टेस्ट। संडे को टेस्ट होता है, स्टार्टिंग में टॉपिक वाइज प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं TWPT जिसे हम बोलते हैं, फिर फुल लेंथ टेस्ट होते हैं जिन्हें हम FL टाइप का नाम देते हैं, फिर
मॉक टेस्ट होते हैं, इतने टेस्ट, इतने पेपर्स होते हैं कि इसके बाद आपको कोई अलग से बुक या गाइड की जरूरत नहीं है, बस एक टेस्ट बुक कर लें बहुत होगा। तो इस तरह से पूरे सेशंस को लाइव में कवर किया जाता है। यही चीज पेन ड्राइव वाले बच्चों के लिए भी होती है, बस उनके अगर केवल पेन ड्राइव लिया तो वो लाइव क्लासेस की जगह टेस्टिंग वाला पोर्शन उनका भी वही रहता है जो लाइव का रहता है। और जब दोनों कोई करता है बच्चा तो वही सेम बात हो गई। हाँ, पेन ड्राइव कोर्स में एक चीज होती है कि आपको इंटरनेट रिक्वायर्ड नहीं होता, आप उसको बिना इंटरनेट के देख सकते हैं। पर आज की डेट में इंटरनेट बहुत सस्ता हो गया है, इजीली अवेलेबल है, तो हमारे लिए दोनों चीजों में कोई मुश्किल नहीं है। तो इन दोनों को में से आप कुछ भी एक भी कर सकते हैं, दोनों भी कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं। और इसके बाद अगर क्लासरूम में स्विच होना है तो आप बिल्कुल हो सकते हैं, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये एक बेसिक आइडिया दिया मैंने। इसके अलावा आपको हमने डिटेल में नीचे एक वेबसाइट का वो दिया है आपको URL। इसके अलावा मोबाइल नंबर है जिस पर आप कॉन्टेक्ट करके या मैसेज करके डिटेल ले सकते हैं। कई बार हम लोग फोन पिक नहीं कर पाते तो ऐसे में आप मैसेज ड्रॉप कर दें, आपको डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। पर मैं यहां पर आपको एक ही बात बोलना चाहूंगा कि रुकना नहीं है बिल्कुल भी, पढ़ाई चालू कर देनी है। और अभी की सिचुएशन देखते हुए मैं यही बोलूंगा, तो एग्जाम तो होगा होगा, पर आप उसके लिए अगर रुके रहे तो आप अपना नुकसान करेंगे। निमसेट 20 वालों को भी बोलना चाहूंगा कि अभी कुछ नहीं कह सकते एग्जाम कब है, अभी भी आप अपना बचा हुआ टाइम फुल फोकस के साथ, जैसे आज बच्चे क्रश कोर्स में पढ़ाई कर रहे हैं उसमें कंप्लीट कोर्स के साथ रेगुलर 6 घंटे क्लास अटेंड करते हैं, आप भी कर सकते हैं। 21 वालों को बोलना चाहूंगा कि ये जो 21 वाला बैच है, मैंने आपको इसका आइडिया दिया, इसमें मैं प्लान ये कर रहा हूं कि एवरी डे 2 क्लासेस हों, जिसमें 2 टाइम पे क्लास हो, मॉर्निंग और इवनिंग। और इसमें मैथ्स के साथ साथ एक यूनिक चीज जो मैंने बताई, सी का ओरिएंटेशन स्टार्ट करेंगे, सी फिर C++ हफ्ते में 3 दिन, और साथ में QA या LR में से कुछ, क्योंकि अब धीरे धीरे समय निकलता जा रहा। देखिए जुलाई खत्म हो गया है, यानी अगर हम मई के बाद देखें तो जून जुलाई 2 महीने खत्म हो गए, अब साल भर नहीं बचा है, 10 महीने बचे। और जितना लेट, ऐसा नहीं होता, देखो मैं आपको बताऊं, 20 में कुछ ऐसे बच्चे थे जिन्होंने जनवरी में ज्वाइन किया, जो अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं, पर उनके ऊपर बहुत प्रेशर होता है, प्रेशर रिलीव करना है, टाइम रहते पड़े। अभी 10 महीने, 10 महीने में करीब करीब 2 या 3 बार सिलेबस हम खत्म करने की कोशिश करते हैं, उसका फायदा लें। जनवरी तक पहला राउंड होता है, फिर जनवरी से फाइनल टेस्ट सीरीज होती है, फिर रिविजन होता है, ऐसा चलता रहता है कई कई बार, बट उनके आपको फायदे मिलेंगे। सेल्फ स्टडी करने के लिए टाइम मिलना चाहिए। 22, 23 वालों को बोलना चाहूंगा, आपके पास भी मौका है, आपके ऊपर बर्डन कम है, बस 21 वाले अगर 6 घंटे पढ़ेंगे ना, 21 वाले 6 घंटे, तो आपको 22 वालों को 4 घंटे पढ़ना है और 23 वालों को 3 घंटे, बस यही एक चीज है और कुछ भी नहीं। तो अपना फोकस बनाए रखिए, पढ़ाई करिए, बहुत ही पॉजिटिव माइंड से पढ़ाई करिए। सबसे अच्छी बात है कि लॉकडाउन के वजह बाद भी या आगे भी कभी ना, तो पहले क्लास कम बंद हुई थी, ना अभी बंद हुई और ना आगे भी बंद होंगी, क्लास ऐसे ही इंटायर चलती रहेंगी, और आप अपनी पढ़ाई घर रह के अच्छे से कर सकते हैं एक डिसिप्लिन के साथ। आप सबको एक बात और बोलना चाहूंगा कि अभी क्योंकि आपको घर पर ही रहना है तो आप एक्सरसाइज या फिजिकल वर्क जरूर करें, जिससे आप एनर्जेटिक बने रहें, मेंटली और फिजिकली फिट रहना आज सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।